नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ इस कोविड सेशन में आप स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रनिंग में लाए होंगे। और आप सभी को पता है बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स आज कल लगे हुए हैं और आशा करता हूँ कि जिसमें भी हिंदी पूछी जाएगी, आप इतना अगर आपको याद हो गया तो एक भी नंबर आपका ऐसे जाने वाला नहीं है। यदि क्वेश्चन आया तो एक नंबर आपको देके जीत ही जाएगा, एक नंबर आपको रचनाओं से देकर ही जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ प्रमुख पद्य रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख पद्य रचनाएं क्या है आदिकाल के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? पहला है खुमान राशो दलपत विजय जी की है। खुमान राशो किसकी रचना है? दलपत विजय। नेक्स्ट है विशल देव राशो नरपत नाम द्वारा रचित है। विशल देव राशो हमीर राशो शारंगधर कैसे लिखा है आप इसको चेक कर लेंगे, वर्तनी भी आप सुधारते ही रहिए। इसी तरह से लिखा जाएगा शारंगधर हमीर राशो शारंगधर है। परमान राशो जगनी द्वारा रचित है। नेक्स्ट है विजयपाल राशु नाहल सिंह ठीक है। विजयपाल राशु नाहल सिंह है। कीर्तिलता की बात की जाए तो कीर्तिलता विद्यापति द्वारा रचित है। कीर्तिलता किसने लिखा है? विद्यापति जी ने लिखा है। संदेश राशक की बात की जाए तो अब्दुल रहमान। संदेश राशक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ठीक है। पौंचरयू जो है शंभु जी की रचना है। पौंचरयू शंभु जी की रचना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज राशु की। पृथ्वीराज राशु चंद्र बरदाई द्वारा रचित है। पृथ्वीराज राशु किसने लिखा है? चंद्र बरदाई जी ने लिखा है। भविष्यत कहा धनपाल जी की है। भविष्यत कहा धनपाल जी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली राज भरतेश्वर बाहुबली राज मुनि जिन विजय जी की रचना है। और रेवंत गिरी राज की यदि बात की जाए तो विजय सिंह सूरी जी की रचना है। नेक्स्ट है श्रावकाचार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पुटअप हुआ है, आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पुटअप हुआ है। श्रावकाचार देवसेन जी की रचना है। किसकी है? श्रावकाचार देवसेन जी की रचना है। नेक्स्ट है स्थूलभद्र राज जिन धर्म सूरी जी की रचना है। स्थूलभद्र राज अगर प्राकृतिक पोंगल की बात की जाए, यह भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। प्राकृतिक पोंगल लक्ष्मण धर की रचनाएं हैं। जयनायक की बात की जाए तो क्या होगा? भट्ट केदार जी की है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार जी की है। जय मयंक दशचंद्रिका की बात की जाए, यह भी इंपॉर्टेंट है। जय मयंक दशचंद्रिका मधुकर भट्ट की है। किसकी है? जय मयंक दशचंद्रिका मधुकर भट्ट जी की कृति है। फिर मृगावती बहुत इंपॉर्टेंट है। मृगावती की बात की जाए तो मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन जी की रचना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये पृथ्वीराज राशु है, चंद्रमरदाय जी की रचना, श्रावकाचार देवसेन की है, प्राकृत पोंगलम जो है लक्ष्मणधर जी की है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, जय मयंक दशचंद्रिका मधुकर भट्ट की है, मृगावती कुतुबन की है। और यदि इधर से बात की जाए तो कुमार राशु आपका इंपॉर्टेंट है। कुमार राशु दलपत विजय, बिशन देव राशु नरपतनाल और हमीर राशु शारंगधर और परमान राशु जगनिक, जितने भी राशु हैं सब आपके हैं। विजयपाल राशु नाहल सिंह। इसके बाद पौंचरयू स्वयंभू जी की रचना है। इतने यदि आप क्लियर हो गए तो आपके क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। आप एक से दो बार वीडियोज को देखिए और जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो, आप वीडियो के नीचे लिंक में कमेंट होता है तो आप कमेंट करें, अवश्य करें कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल फ्रेंड।